हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 7 की कहानी सिक्का बदल गया का कथा वाचन करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कहानी सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सानी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सानी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम से उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करते करती बाजरे के खेतों से होते हुए होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था, टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। सानी ने नजर उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भड़ी भड़ाई नई फसल को देखकर सहनी किसी अचानक के मुंह में भीग गई। यह सब सहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। सहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, सेड़े सेड़े हसैना हसैना। सेड़ा सहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया, हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। सहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी सेरे सेरे सेरा गुस्से से भर गया, किस पर निकाले अपना क्रोध। सहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई ए, रब तेनु मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई, ए आई आ क्यों छाबले सुबह सुबह तड़पना ए। अब तक सहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, सेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगड़ा कर लिया कर। जिगड़ा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। सहनी, लड़का आखिर लड़का ही है, कभी सेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने। सहनी ने लार से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहु अधिक प्यारी है। सेरे, हाँ सहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ, सहनी ने गंभीर स्वर में कहा। सेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं सहनी। सेरे के उत्तर को अनसुनी कर सहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। सेरे आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है, सहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद
पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा, हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज साहजी, क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह हो के रहेगा, क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग सेरे की आंखों में उतर आई, गड़ासे की याद हो आई, साहनी की ओर देखा, नहीं नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों के रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है। साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए सेरे उठ पी ले। सेरे ने साहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। सेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। साहजी की बात साहनी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मसवीरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा, साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता सेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है, अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ सेरे, सेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। साहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। सेरा जानता है यह आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही है। हवेली आ गई, साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। सेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं, दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई, हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो, पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी, साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी, हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी हमने कभी ना सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा, मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लाम सकी। किसी गहरी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहाँ, कौन नहीं है आज वहाँ। सारा गांव है जो उसके इशारों पर नाचता था। कभी उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझा गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा, धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब नू एही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दाड़े तक
जिसे साहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी, दाऊद खां जरा अकर कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्ण फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन वह जब लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी भागो, वाल मसीत बनेगी, 300 रुपए देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया आगे रख दिए थे और आज साहनी दाऊद खान ने आवाज दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ ना बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गिली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है, साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, साहनी का गला रुंध गया, नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। सेरा पास आ खड़ा हुआ, दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा हो साहनी से। खां साहब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी, देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भवड़ में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए, नहीं, यह सब कुछ नहीं ठीक है, देर हो रही है। साहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन बहु रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख को की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है, किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। साहनी ने जोड़ मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखाऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वह छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है। बस सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुल वधु की आंखों से निकलकर कुछ बूंदे चू पड़ी। साहनी चल दी, ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें, सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी, गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है, सेरे, खूनी सेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती, और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया।
जरा भी दिल में मैल नहीं सानी के, और हम सानी को नहीं रख सके। सेरे ने बढ़कर सानी के पांच हुए, सानी कोई कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। सानी ने कांपता हुआ हाथ सेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना, ओ चांद तेरी भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया, कुछ बड़ी बूढ़िया सानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबाड़ा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे हैं सानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है, आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सानी को, कहां जाएगी अब वह। सानी मन में मैल ना लाना, कुछ कर सकते तो उठा ना रखते, वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और सानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।